अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं ये वन ऑफ द टॉप लीडिंग कार है अपनी क्रॉसओवर सेगमेंट में। ये है चंगान ओशान X7 और इसमें दो वेरिएंट आते हैं, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इसमें, ठीक है ना। इसमें हम डिस्कस करेंगे इस गाड़ी के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये बाकी अपनी कंपेटिटर से कैसे मार्केट अप है। ये दो कैटेगरीज में आती है, ये सी में भी, सी प्लस प्लस में भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंपेटिटर में आ जाती है टोयोटा फॉर्च्यूनर के, और वैसे तो ऑल दो अपनी कैटेगरी तो है ही है। सो स्टार्ट करते हैं हम इसके एक्सटीरियर से, थोड़ा सा इसके जो एक्सटीरियर से, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको गाड़ी के इसके परफॉर्मेंस फिगर्स बता देता हूँ। ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 185 हॉर्स पावर और 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क पे, और इसमें जो चंगान की तरफ से जो एक इनका जो यूरो 6 कंप्लायंस एक इंजन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, जो इनकी मोस्टली गाड़ियों में आ रहा है। सबसे पहले ये क्रॉसओवर कैटेगरी में चंगान की फर्स्ट एंट्री थी। इससे पहले चंगान ने अपने पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक वैल्यू रिटेन की है। उससे पहले हमारे पास हम देख चुके हैं चंगान एल्सफिन आई है, उसके बाद ये क्रॉसओवर कैटेगरी में इसमें फर्स्ट एंट्री है, और ये बड़ी कंपैटिबल और बड़ी स्ट्रॉन्ग एंट्री है चंगान की। सो अब हम डिस्कस करते हैं इसके फ्रंट एंड से। आपको फ्रंट एंड पे फ्रंट ग्रिल से ही आप नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक चंगान का बड़ा एक प्रोनाउंस और एक लोगो मिल जाता है। उसके साथ अगर हम नोट करें यहाँ पे इनकी फ्रंट एंड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें एक इनलाइन ग्रिल फॉलो कर रही है, जिसको ना चंगान ने जस्ट लाइक अ चंग सीरीज के उसमें शेप में एक उसमें इंट्रोड्यूस करवाया है। उसके साथ अगर आप यहाँ पे नोट करें, अगर हम साइड पे मूव करें तो यहाँ पे हमें इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो इसके बम्पर के और इसके फेस के बिल्कुल इन बिटवीन प्लेस किए हुए हैं, और ये जो हेडलैम्प्स हैं ये LED हेडलैम्प्स हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको कैमराज मिल जाते हैं, और इसके साथ यहाँ पार्किंग सेंसर्स है, क्योंकि इसमें 360 कैमराज वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये गाड़ी फुल फ्लैज एक क्रॉसओवर कैटेगरी में अपनी लीड करती है। अगर ऊपर मूव करें तो यहाँ पे जिसके इसके टर्न सिग्नल्स हैं वो हमें LED मिल रहे हैं और यहाँ पे हैं, और उसके साथ यहाँ पे अगर आपको नोट करें यहाँ DRLs हैं, और यहाँ अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको ओशान की एक बैजिंग मिल जाती है। अगेन इसका जो फ्रंट एंड है वो काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी वाइड बनाई गई है। उसके साथ अगर इधर नोट करें, ये गाड़ी अपनी कैटेगरी में तो वैसे ही सबसे ज़्यादा आती है, इस वैसे तो क्रॉसओवर आती है सी कैटेगरी में ना, लेकिन इसको हम फॉल करेंगे सी प्लस प्लस में, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी कुछ MM वाइड है ज़्यादा, ठीक है ना। इतनी वाइड टोयोटा फॉर्च्यूनर भी है जितनी ये गाड़ी है। बाकी अगर आप इसके ऊपर बोनेट पे देखें, हम बोनेट पे आपको आइडिया हो जाएगा कि काफ़ी ह्यूज सा ही इसकी जो साइज़ है उसका, आपको मे बी कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा है इसका जो साइज़ है एक्चुअल, लेकिन आज अगर आप रेल में गाड़ी देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। बाकी अगर आप इस पर नोट करें, इसका जो हुड है, हुड पे एक बल्कि सी साइड में एक करेक्टर लाइन फॉलो कर रही है। अगेन दोनों साइड्स पे ऐसे ही है। अगर हम साइड प्रोफाइल पे मूव करें, हम इसके साइड प्रोफाइल पे आते ही यहाँ पे हमें इसका इस कैटेगरी में इसका सबसे ज़्यादा व्हील बेस है। इसमें 19 इंच का आपको व्हील बेस मिल जाता है एंटायरली, और इसका जो अलॉय का जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट लाइक एक ना सर्कुलर कर्व टाइप है, ठीक है ना, जो इसके व्हील बेस को और भी एनहांस करता है। और इसके अंदर अगर आप ये चीज़ नोट करें, ये थोड़ा सा इसको टफ टायरन देने के लिए ना ये इसमें ब्लैक मैटिंग दी गई है, जो इसको इसके ऑफ रोडिंग के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा नीचे से आपको सेफली गाड़ी को मूव करें तो यहाँ पे हमें जो इसके साइड मिरर्स हैं वो मिल जाते हैं, और उनका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। और उसके साथ यहाँ पे आपको LED टर्न सिग्नल्स हैं, और इन बिटवीन अगर आप यहाँ नोट करें यहाँ पे हमें कैमरा मिल रहा है। ये कैमरा जो टर्न सिग्नल्स के नीचे बिल्कुल है, ये कैमरा 360 कैमराज के लिए। बाकी अगर आप यहाँ नोट करें तो यहाँ पे हमें स्मार्ट एंट्री, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कीलेस एंट्री का ऑप्शन भी है, और जो इसका डोर हैंडल्स हैं वो अगेन वाइट हैं। अगर ऊपर गाड़ी का एग्जैक्ट आप नोट करें तो थ्रू आउट यहाँ पे ना आपको एक सिल्वर सी है जो गार्निश है ये फॉलो अप कर रही है आपकी गाड़ी के एंड तक, और उसके ऊपर जो यहाँ पे रूफ रिल्स हैं उसके ऊपर भी आपको एक सिल्वर सा आयोनिक सा बिल्कुल ये टच दिया गया है, ये थोड़ा सा इसकी जो गाड़ी की बल्किनेस है उसको एनहांस करने के लिए। बाकी इस गाड़ी की मैं आपको साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ कंप्लीट एक, अगर आप नोट करेंगे कैमरा भी इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, इसका जो साइज़ है लिटरली वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है, जो मुझे बड़ा पसंद है इस सेगमेंट की। ये अपनी जो एंटायर सेगमेंट है उसमें सबसे बड़ी है, सबसे लेंथ में भी और विड्थ में सबसे बड़ी गाड़ी है। बाकी अगर आप अगेन इसके बैक साइड पे मूव करते हुए यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे, और एक और अच्छी बात है कि इस गाड़ी के अंदर आपको ना अकॉर्डिंग टू जैसे JDM में मोस्टली गाड़ी में फुल प्राइवेसी क्लास आता है, इसमें नहीं है, जो अगर आप हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हिसाब से उसको नोट करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट रिकमेंड नहीं करती ज़्यादा प्राइवेसी क्लास। खैर हम मूव करते हैं इसके बैक एंड पे, बैक एंड पे आते ही आपको एक तो सबसे पहले इसके जो बैक लाइट है
सीरियसली वो बहुत अच्छी है। इसके जो इसका बैक पूरा जो लाइट है वो थ्रू आउट इसके फॉलो कर रही है इस गाड़ी के वन साइड से लेके बोथ साइड्स में। यहाँ पे आपको चंगान का ही एक मोनोग्राम मिल जाता है जस्ट लाइक ये देखें आप। उसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें आप ओशान X7 ये एक्स बोर्ड का वो आपको मिल जाता है। अगर आप इस गाड़ी की आप बैक प्रोफाइल पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमें सबसे पहले जो एक प्लस पॉइंट है जो इस गाड़ी में रेयर वाइपर है, ऊपर आपको टेल लैम्प मिल जाता है। अगेन इसके जो बैक स्क्रीन का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है और जिससे बैक व्यू आपको काफ़ी अच्छा आता है। उसके साथ अगर आप यहाँ पर नोट करें तो इस गाड़ी के जो अब क्योंकि दिन का टाइम है तो मैं इसको नहीं आपको ऑन करके ज़्यादा इसको प्रोनाउंस नहीं दिखा सकता। इस गाड़ी की जब बैक लाइट ऑन होती है ना तो ये थ्रू आउट एक हल्का सा टच देती है जस्ट लाइक द BMW। और यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल्स जो हैं इसके वो बड़े यूनिक और बड़े इसको ना एक कर्व में इसको शेप में किया गया है। अगेन अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पर हमें दो डिफ्यूज़र्स बम्पर के साथ ही आपको डिफ्यूज़र्स मिल रहे हैं। ऑल दो ये हैं फेक लेकिन जस्ट एक वहाँ पर इसको स्पोर्टी लुक देने के लिए लगाए गए। अगेन यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं बहुत एंड पे। बाकी इसके जो इधर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल रहे हैं और रिवर्स लैंप इसका बिल्कुल एंड पे है बड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान में कामयाबी की ज़मानत हम शार्क फिन एंटीना तो भूल ही गए थे भाई। हम मूव करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर पर, लेट्स गो। मैं आपको उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि इस गाड़ी में हमें स्मार्ट एंट्री मिल रही है, इसकी की है। और इस गाड़ी में यहाँ पर हमें इसको ऑटो बूट है, यहाँ पर इसको हम ऑन करके इस गाड़ी का ऑटो स्टार्ट भी है कि लेट्स सपोज गाड़ी गर्मी में आप काफ़ी हैं तो आपका इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मूव करते हैं इसकी अंदर। सो वेलकम टू इंटीरियर। इस गाड़ी में ये आती है हिसाब से सबसे पहले जो आपको इस गाड़ी की जो फील है वो आपको वैसे ही नोट करे होंगे कि बड़ी एक ज़बरदस्त सी इस गाड़ी का जो फर्निशिंग इसमें अंदर जो इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया वो बहुत हाई क्वालिटी का है, ठीक है ना। इसमें आपको 2-3 टोन मिल जाता है। एक आपको ये कंप्लीट पियानो ब्लैक मिल रहा है, ब्लैक सॉरी मैटिंग में। उसके साथ यहाँ पे आपको जो ये वाइट स्ट्रेचिंग और वाइट इंटीरियर मिल जाता है। उसके साथ अगर आप नीचे नोट करें तो इस गाड़ी के अंदर जो स्ट्रेचिंग है और इसका जो कलर है ये बड़ा यूनिक है। इसमें एवरी वाइट कलर इसमें अवेलेबल है। जो अगर एक सेंस में थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है हमारा जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डस्टी है। तो मेरा ख्याल है कि विद टाइम ये गाड़ी का जो काफ़ी लाइट कलर है इसकी जो सफाई वगैरह का इसकी इसका कंसर्न काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि इतना ज़्यादा जितना भी बंदा ख्याल कर ले फिर भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो ये जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, अभी तक इसके स्टिकर्स भी नहीं उतारे गए। बाकी अगर आप नोट करें यहाँ स्टेयरिंग में हमें स्टेयरिंग कंट्रोल्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे आपको क्रूज सेट ऑन ऑफ ट्रैक्शन, उसके साथ इसके जो DVRs हैं उसके वीडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अगेन यहाँ पे हमें म्यूज़िक कंट्रोल्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको चंगान का मोनोग्राम मिल जाता है। अगेन अगर आप यहाँ नोट करें तो यहाँ पर हमें इसका इंजन स्टार्ट ऑन ऑफ का बटन है। अगेन इधर हमें वाइपर्स के मिल जाते हैं, मतलब जस्ट लाइक जो एक होता है। यहाँ पर आपके इसके जो हेड लैम्प्स हैं उनकी एडजस्टमेंट है। बाकी इस गाड़ी के जो लिटरली जो इसकी कंफर्ट है और इसके जो कुशनिंग है वो बहुत बहुत ज़बरदस्त है। इस गाड़ी में हम डिस्कस कर लेते हैं हमें क्या क्या फीचर्स हैं। इसमें हमें गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल स्टार्ट असिस्ट है, डाउन हिल असिस्ट है। इसमें हमें जो एयर बैग्स हैं वो हमें इसमें 6 एयर बैग्स मेरे ख्याल है या 4 या 6 एयर बैग्स इसमें हमें मिल जाते हैं। उसके साथ एजाइल आइसोफैक्स, उसके साथ आपको ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है, ठीक है ना। उसके अलावा बाकी जितने नेसेसरी फीचर्स हैं इसमें आपके क्रूज़ हो गया, इसमें आपको एडैस हो गया, एडैस के सारे फीचर्स मिल रहे हैं। और ये फ्यूचर सेंस है, मतलब ये जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसमें आपको आप एक और चीज़ नोट करेंगे इसके हमें जो पिलर्स हैं पिलर्स में भी इसके जो माउंटेड स्पीकर्स हैं वो ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है ना। बाकी हम गाड़ी को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अगर आप इसकी गाड़ी की फील देखें ना आपको यहाँ पे हल्की हल्की स्ट्रेचिंग से नज़र आएगी इसके थ्रू एंड इसके स्टेयरिंग पे, और इसके जो स्टेयरिंग की जो फील है वो बहुत ज़बरदस्त है। बाकी जो आपका इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है इसमें आपको ट्रिप इंस्टेंट एवरेज इसके एड्रेस और इसके ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल रही है। अगर यहाँ पर हम नोट करें तो इस गाड़ी के जो इसके जो ग्रिल्स हैं इसी की वो बड़ी यूनिक हैं। अगर आप थ्रू आउट अगर नोट करें यहाँ पर आपको नज़र आओगे ये इसके जो डोर माउंटेड स्पीकर्स हैं उनकी आपको मिल जाती है। बाकी अगर जो गाड़ी की क्वालिटी है बहुत आउटस्टैंडिंग है अपने सेगमेंट की। पर्सनली ये मुझे मेरी बेस्ट कार लगती है जो इसके अपने सेगमेंट में है।
बाकी अगर आप ऊपर नोट करें तो यहाँ पे हमें इसके गाड़ी के अंदर वैनिटी मिरर मिल रहा है अगेन, ठीक है ना। और ऊपर यहाँ पे हमें इसके हेडलैम्प्स भी मिल जाते हैं, वो सॉरी वैनिटी लैम्प अगेन। ये गाड़ी आपको इन बिटवीन आपको फुल फ्लैज आपको आपके जो इसमें पैनोरामिक सनरूफ है और लॉन्ग पैनोरामिक सनरूफ है, मैं आपको इसमें कंप्लीट आपका पैनोरामिक सनरूफ है जो आप देख रहे हैं थ्रू एंड तक फॉलो कर रहा है। और इस गाड़ी की आप इसके जो है इसकी गियर पे शिफ्ट पर बात कर लेते हैं, इसमें हमें DCT ट्रांसमिशन मिल जाता है, 7-speed DCT। 7-speed होने की वजह से इस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये गाड़ी ईजिली हमें विद इन अ सिटी 10-11 और ऑन हाईवे अगर आप इसको 120-130 पे क्रूज़ लगा दें तो ये गाड़ी आपको आराम से 15-14 की एवरेज देती है। बाकी इस गाड़ी की मैं आपको यहाँ पे मटेरियल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हम नोट करें, यहाँ पियानो ब्लैक सी फिनिशिंग है अगेन सारी। और यहाँ पे आपको इसके दूसरे कंट्रोल्स मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पे ड्राइव मोड्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसके जो सीट्स हैं हीटेड सीट्स हैं सॉरी कोल्ड सीट्स वो आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है ना। सारे जो आपके फीचर्स हैं सबसे बेस्ट, और इसके अंदर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसकी जो क्वालिटी है और इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है बहुत अच्छी है। मैंने बाकी जितनी भी गाड़ियाँ इसमें आज तक रिव्यू में दी हैं तो उनमें यह प्रॉब्लम होती है कि मोस्टली गाड़ियों में ख़ासतौर पर जो लोकल हैं या JDM है उनमें जो साउंड की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती, जब आप किसी से बात करें वो आपको प्रॉब्लम होती है। बाकी इसके साथ साथ हमें यहाँ पर इनके जो जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पर भी अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक मैं आपको दिखाता हूँ ये AC कंट्रोल्स हैं इसके, AC ऑन ऑफ के, उसके बाद कंट्रोल्स के, टेम्परेचर के, सारे जो नेसेसरी कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जस्ट लाइक। बाकी यहाँ पे आपको उसमें मैंने आपको पहले बताया सारा जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके ऊपर सारा पियानो ब्लैक से फिनिशिंग है। बाकी इस गाड़ी की अगर हम क्वालिटी पे नोट करें, ठीक है ना, क्वालिटी और जो इसकी कुशनिंग है कमाल है। मैंने ये गाड़ी का टेस्ट भी किया, ये आप 5 लोग बड़ा कम्फर्टेबली, 3 पैसेंजर्स और बैक साइड पर 2 लोग बड़ा कम्फर्टेबली इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे हमें ये कुछ चंगान की तरफ से एक बॉक्स भी मिला है चंगान डीलरशिप से, आई डोंट नो इसमें कुछ नेसेसरी चीज़ें और इसके बुक्स बुक आउटलेट और पेपर वर्क वगैरह ये चंगान की तरफ से इसमें की भी थी, दैट्स इट। बाकी अगर आप यहाँ नोट करें तो यहाँ पे इसका जो ग्लव बॉक्स है उसके अंदर हमें 12 वोल्ट का प्लग एंड प्ले, उसके साथ 2 USB कनेक्टिविटी और यहाँ पे आप छोटा मोटा चीज़ें भी अपनी प्लेस कर सकते हैं। बाकी अगर हम इसके नोट करें, मैं इसका डोर पैनल्स पे दिखाता हूँ आपको। डोर पैनल्स पे इसमें जो 4 जो विंडोज़ हैं वो सारी ऑटो हैं, चाइल्ड लॉक अनलॉक सारे बेसिक फीचर्स आपको सब कुछ मिल रहा है। बाकी इस गाड़ी की जो ड्राइव है अनमैचेबल है अपने इस सेगमेंट के हिसाब से, ये सबसे बेस्ट है। स्पोर्टिश, टूसॉन, आप जिसको भी कंपैरिजन में ले आएँ सबसे बेस्ट है। एक चीज़ मैं आपको भूल गया हूँ, इस गाड़ी में जो हमें बैक व्यू मिरर है वो यहाँ पे हमें ऑटो डिमिंग दिया गया है। फ्रंट एंड को इसको वाइंड अप करते हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा दिखाता हूँ कि इस गाड़ी में अंदर ना हमें टोटल 6 स्पीकर्स दिए गए हैं, 4 डोर माउंटेड हैं, उसके साथ 2 पिलर्स में हैं। बाकी जो इसका ग्लव बॉक्स है उसका साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एम्पल है, ठीक है, अपनी कैटेगरी में ठीक है, इतना ही चीज़ें हमने रखनी होती है, स्पेसिंग मैटर करती है। बाकी अगर आप थ्रू आउट नोट करें ना, इस गाड़ी में आपको एक ना एक लेदर सी आती है, ये देखिए आप इसके डोर पैनल्स पे देख लें, इसके अप साइड पे देख लें, है तो ये लेदर नहीं एग्जैक्ट, आप इसे आर्टिफिशियल लेदर कह लें, लेकिन ये फील बड़ी अच्छी है इस गाड़ी की। चंगान की बैजिंग आपको हर जगह मिल रही है। बाकी मैं आपको इधर दिखाता हूँ ये कैसे, मैं आपको कह रहा था कि ये फ्यूचर सेंस वेरियंट है, यहाँ पे आप नोट करें तो यहाँ मैं आपको बैजिंग दिखा रहा हूँ फ्यूचर सेंस वेरिएंट की, इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि कंफर्म कर रहा था कि ये वाकई फ्यूचर सेंस वेरिएंट ही है अपना। सो बैक एंड पे चलते हैं, इसकी बैक सीटिंग टेस्ट करते हैं। एंट्री एग्जिट इस गाड़ी में बहुत ईजी है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो एंट्री एग्जिट का कोई सीन भी नहीं है। बैक टेस्ट इसका मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का, आगे वाली सीट मैंने फुल पीछे की हुई थी अपने हिसाब से, तो बैक इसका आपको मैं बैठ के दिखाता हूँ गाड़ी का कैसे है। देखिए हालांकि आगे वाली सीट मैंने फुल पीछे की हुई है, उसके बावजूद भी इस गाड़ी का जो एंट्री थी बहुत इजी थी, मैं बड़ा रिलैक्स होकर बैठा हूँ। और उसमें जो गाड़ी की स्पेस है, हालांकि फुल पीछे है, मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है, लेकिन अभी भी अच्छा खासा स्पेस है। इससे आप जज कर लें कि इस गाड़ी की कितनी कम्फर्टेबल है स्पेस के हिसाब से, कम्फर्ट में। बाकी यहाँ पर बैक पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर हमें 2 सेलेक्टिव जो है ग्रिल्स में मिल जाती हैं अगेन,
और स्पेस तो है ही है ना। बाकी यहाँ पे अगेन आपको रीडिंग लैंप मिल जाता है बैक लुक पैसेंजर्स के लिए, सनरूफ थ्रू आउट वैसे फॉलो कर रही है। और इस साइड पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे हमें जो इन बिटवीन जो बीच वाली सीट है वो भी ज़्यादा हाई एंड पे नहीं है, तो तीन लोग बड़ा इजीली इसमें बैठ सकते हैं। बाकी सीट बेल्ट्स और ऑल दो सब कुछ वो तो वैसे ही बेसिक से है। बाकी मैं इसको बूट दिखाता हूँ आपको, इसका बूट कैसा है, बूट की कैपेसिटी कितनी है। सो लेट्स गो। सो अपनी इसमें वन एंड ऑटो बूट है जिससे वन प्लस वन टच से आप गाड़ी को, और अपनी कैटेगरी का इसका सबसे ज़्यादा बूट स्पेस है इसमें, 1470 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो बूट लैंप यूटिलिटी कंप्लीट यूटिलिटी पैक है। बाकी आप इसमें बूट की कैपेसिटी तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमें एक पंक्चर रिपेयरिंग किट मिल रही है, उसके साथ हमें यहाँ पे कुछ कंपार्टमेंट है जहाँ पे आप अपना कुछ सामान वगैरह कुछ भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी बेसिक चीज़ें इसमें टाइट नहीं आता। बाकी स्पेस में ये बहुत एम्पल है, अपनी कैटेगरी में सबसे बेस्ट है इस गाड़ी का। सो इसमें हम वन टच से इसको हम यहाँ पे बटन देख लें, बूट क्लोज भी कर सकते हैं। सो ऑटो बूट इज गोइंग टू क्लोज। बाकी जैसे मैंने आपको बताया इस गाड़ी की जो मार्केट वैल्यू है वो अनमैचेबल है, क्योंकि हालांकि जब स्टार्टिंग में ये गाड़ी आई थी तो लोग इसमें थोड़ा सा एंटिसिपेशन थी कि ये भाई इतनी अपनी प्लेस नहीं बनाएगी, एक चाइनीज़ ब्रांड है, जबकि ये ना पर्सनली अपनी कैटेगरी में सबसे बेस्ट कार है। हाँ कुछ इसके कॉन्स हैं, कुछ प्रोज हैं, प्रोज मैंने आपको डिस्कस किए हैं, कॉन्स ये किए हैं कि इसका जो इंटीरियर कलर है वो थोड़ा सा लाइट है, ये थोड़ा सा हो सकता है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज जो है ना, ये गाड़ी 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन के साथ आती है, सिंगल टर्बो चार्ज, और जो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आउट क्लास है, अपनी कैटेगरी में सबसे अनमैचेबल है। बल्कि इसको आप कंपैरिजन करें, अगर थोड़ा सा इसका कंपैरिजन बनता है फॉर्च्यूनर और सोरेंटो के साथ भी, क्योंकि ये सी प्लस कैटेगरी में चली जाती है। बाकी इस गाड़ी की जो प्राइस है, जो करंट टुडे आज की जो प्राइस है इसकी, जो कंफर्ट वेरिएंट है उसकी है 82 लाख, और उसके बाद आपके जो थोड़ा बहुत इसके रजिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह वो अलग है इसकी, और इसके साथ जो जैसे टॉप ऑफ द लाइन जिसके हमने रिव्यू किया फ्यूचर सेंस वेरिएंट, इसकी प्राइस है 89 समथिंग। सो ये था आज का चंगान एल और इसका ओशान X7 फ्यूचर सेंस का एक डिटेल रिव्यू। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।